तो अपने आप को बहुत ही लकी मान रही हूँ कि मैं आज दशहरे वाले दिन बाबा महाकाल के पास में यहाँ पर हूँ उज्जैन नगरी। हो चुकी हूँ बाबा महाकाल की यात्रा के लिए दशहरा की। अब देखिए मैंने ये पहना है सूट पिंक कलर का और ये दुपट्टा लिया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बाबा महाकाल की दशहरा यात्रा देखने के लिए। तो चलिए अब मेरे साथ, मैं आपकी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यात्रा दिखाऊँ। मैंने गॉगल्स पहले ही पहन लिए, सनग्लासेस। देखिए आज दशहरे वाले दिन आप क्या होगा यहाँ पे बाबा की सवारी जाएगी तो क्या होता है यहाँ पे? परंपरागत सवारी है। हाँ हाँ, बाबा महाकाल की सवारी है ना। हाँ तो आज दशहरे वाले दिन रावण दहन होगा ना, उसके पूर्व ये सवारी निकाली जाती है। साल में एक ही बार फ्रीगंज जाती है सवारी। एग्जैक्ट 4 बजे यहाँ से बाबा की सवारी निकलेगी, बाबा महाकाल की सवारी, और साल में एक बार ये सवारी निकलती है। और बाबा पूरे, क्योंकि ये यहाँ के राजा हैं बाबा महाकाल, तो अपनी पूरी नगरी देखने के लिए आज वाले दिन ये पूरे शहर में जाते हैं अपनी सवारी लेकर के। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख कर के। तो ये सारे वो बैंड बाजे और ये सब खड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं तो अपने आप को बहुत ही लकी मान रही हूँ कि मैं आज दशहरे वाले दिन बाबा महाकाल के पास में यहाँ पर हूँ उज्जैन नगरी में, क्योंकि एक्चुअली मैं ये ऐसा प्लान करके नहीं आई थी कि मैं दशहरे वाले दिन यहाँ पर ही होंगी। और मज़े की बात ये है कि सबसे मज़े की बात ये है कि 11 तारीख को यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं, तो अब कल से शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। और कल मैंने वैसे भी उज्जैन छोड़ देना है, तो आई एम रियली ब्लेस्ड। मुझे तो वैसे भी कभी कभी लगता है कि आई एम गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड, यू नो। तो मुझे पता नहीं, मुझे ये बहुत फीलिंग आती है, कई बार ये फीलिंग आती है। तो अब आप देखिए ये इस चौक का नाम क्या है, चौक का नाम नहीं पता है। हेलो, हेलो, हेलो,
महाकाल बाबा की सवारी मैंने देखी पालकी में जाते हुए, और उसके बाद अब मैं रामघाट की तरफ जा रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। रामघाट भी एक बहुत उज्जैन में देखने लायक स्थल है।